100% इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पत्थर पे लकीर है कि इस हॉस्पिटल में काया पलट होगा। आज की आप फोटो ले लीजिएगा और जब मैं 5 साल बाद वापस आऊं तब आप फोटो ले लीजिएगा, आपको फर्क दिख जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ हॉस्पिटल की बिल्डिंग की नींव भी हमारे हाथों रखी गई थी, हॉस्पिटल का उद्घाटन भी हम ही निमित्त बने थे। आज विधायक बनने के बाद यहाँ पे एक सदिच्छा भेंट दी थी, डॉक्टर साहब की भी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो आज एक कैजुअल भेंट थी जीतने के बाद सभी डॉक्टर से और यहाँ की व्यवस्था देखने आया था और एक जस्ट कैजुअल मीट थी। लेकिन इस कैजुअल मीट के दौरान थोड़ा विजिट भी किया तो बहुत सुंदर तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टर के एप्रिसिएशन के बहुत सारे किस्से सुनने मिले और मैं भी उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस इच्छा से हमने हॉस्पिटल की शुरुआत की थी उसका फायदा जनता को हो रहा है। कुछ ज़रूरत है, कुछ कमियां हैं, उसको पूरा कर रहा है, तो डॉक्टर्स ने अपनी अपनी बातें रखी है। अब एक बार जब फॉर्मल आज तो आया था, अब जब ऑफिशियल मीटिंग पे आऊँगा तो उन बातों पे गंभीरता से लेते हुए उसका निवारण करेंगे। मैं जनता को इस शहर की आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो हमने वादे किए थे वो निभाएंगे, इस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, जो सुविधा के अभाव है वो धीरे धीरे करके पूरे करेंगे। कुछ सरकार की मदद लेंगे, कुछ लोग वर्ग नहीं लेंगे, कुछ CSR फंड के माध्यम से सभी को मिलजुल के इस शहर को प्रगतिशील करेंगे ताकि शहर की जनता को फायदा हो। देखिए सच में हमारी मानसिकता, कभी कभी हम साइकोलॉजी कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि सारे नेता भ्रष्ट, सारे अधिकारी नालायक, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। सब वैसा नहीं होता है, कोई तो अच्छे लोग भी होते हैं और जो अच्छा करता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज अगर डॉक्टर ने अच्छा काम किया है तो उन्हें अप्रिशिएशन किया गया है और कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ वो सम्मान के पात्र है उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो आज मेरे सामने कुछ लोगों के बारे में बताया गया तो स्वाभाविक है, उनका अधिकार बनता है, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन उनका सम्मान करके पीठ तो थपथपा सकते ताकि वो और अच्छा काम करें। आज आपल्याकडे माननीय आमदार नरेंद्र मेहता सरांनी आज व्हिजिट केली आणि व्हिजिट फार पॉझिटिव्ह आपल्याकडे झालेली आहे, त्यामध्ये आपल्याकडचं आपण त्यांना कामाचा आढावा दिला आणि आपल्याकडचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्या हॉस्पिटलच्या प्रॉब्लेमचं सुद्धा त्यांना आम्ही सांगितलं। येणारे काही आपल्याकडे NRC SNCU कॅथलॅब CT स्कॅन हे येणारे काही गोष्टी त्याची सुद्धा त्यांना माहिती दिली आणि साहेबांनी फार पॉझिटिव्हली आमच्याकडे बघितलं। आमच्या डॉक्टरांचं आणि नर्सिंग स्टाफ आमची जी पूर्ण टीम आहे Class 4 पासून सर्व कर्मचाऱ्यांचं त्यांनी फार अभिनंदन केलं आणि गरोडिया सर सुलतान पटेल सर यांचं सुद्धा मी फार आभार मानतो। यांनी नियामक मंडळाने ही बैठक आपल्याकडे आज आयोजित केली आणि आयोजित केल्यानंतर एक इंटरॅक्शन चांगलं झालं, एक पॉझिटिव्हिटी सरांच्या याच्यामध्ये दिसली आणि मी परत हे आश्वासित करतो का मला ज्या आज सर्व्हिसचे 30 वर्ष झालेले असल्यामुळे मला जो अनुभव आहे, माझा कामाचा जो अनुभव आहे, त्या कामाच्या अनुभवाने मी आतापर्यंत जी डेव्हलपमेंट केली आणि परत मला आता सन्माननीय आमदारांचा जो पाठिंबा मिळेल त्या पाठिंब्यानंतर मी ह्या हॉस्पिटलचा परत चांगल्या प्रकारे कायापलट करेल आणि ह्या हॉस्पिटलचा अपग्रेड करण्याचा प्रयत्न करेल। आपने चुनाव में भी देखा, मैंने दो मुद्दे चुनाव में भी रखे थे, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा तो बाइंदर की जो महापालिका 36 स्कूलों का नियोजन कर रही है उसमें सुधार होना चाहिए और चिकित्सा के माध्यम से आज सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपना पंडित भीमसेन हॉस्पिटल है। जाफर साहब, यहाँ के स्टाफ लोगों ने मुझे विश्वास था और विश्वास आगे भी है, बहुत प्रगति की है। लेकिन जब ये राइट ट्रांसफर नहीं हुआ था, ये हॉस्पिटल का महाराष्ट्र शासन को राइट्स ने ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद में बहुत चीज़ें मिली लेकिन महाराज शासन से जो अपेक्षित है वो नहीं मिल रही है। तो आज मैंने अधिवेशन चालू था, कल तक शाम को अधिवेशन में थे, मैं बोला नहीं पहला चिकित्सा ये आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने आज टाइम दिया और मुझे इनकी काम की स्टाइल मालूम है मेहता जी की, खाली डॉक्टर साहब को फॉलोअप करना पड़ेगा और ये 100% इस शहर को, ये जो हॉस्पिटल है 4 माले का उसको 6 माले तक ले जा करके उसका प्रगति करेंगे, ऐसा विश्वास। अभी सबसे बड़ा तो ये कैटरक्स जो इंजियोप्लास्टी इंजियोग्राफी का जो काम चल रहा है वो जल्दी से होकर के यहाँ पर लोगों को इंजियोग्राफी इंजियोप्लास्ट हो सके, ये पहली हमारी मांग रहेगी। और ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज ब्लड बैंक ये है और आयुष्मान योजना जो है वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी लागू हो। और छोटे मोटे मुद्दे बहुत है लेकिन मैं बताया है ना कि एक दिन में सब मांगने से नहीं मिलता है, धीरे धीरे मांगेंगे तो उनको भी टेंशन नहीं आएगा। आज नियामक मंडल ने जो मीटिंग रखी थी, इस मीटिंग में इस हॉस्पिटल में जो बहुत टाइम से जो कुछ मुद्दे पेंडिंग है और कैसा ये हॉस्पिटल अच्छा चल सकता है, लोगों को कैसे इधर न्याय मिल सकता है और जो गरीब जनता जो इस शहर में आज दर बदर हॉस्पिटल के सब रेट्स बढ़े हुए
जो बड़े हैं उसके लिए जो गरीबों को यहाँ सुविधा मिलना चाहिए, इस बारे में उनके सामने आज पूरा लेखा जोखा हमारे डॉक्टर तड़वी साहब ने रखा और उसके ऊपर सब चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा हुई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले नए आमदार इस हॉस्पिटल का कुछ भला कर सकेंगे। हमारी यही मांग है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को सुविधाएं मिले और लोगों के लिए जो शहर में बोल के जो लोग जीत के आए हैं, हमें बस यही बोलना है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए।